जय हिंद दोस्तों। देखिए IBPS क्लर्क वैकेंसी 2024 जो निकला हुआ है उसके लिए दोस्तों अभी एक फिर से नया अपडेट निकल के आ गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6128 टोटल सीट के लिए वैकेंसी निकला था, ठीक है, जो कि इसका अप्लाई हो रहा था, तो इसका डेट दोस्तों क्या किया है, बढ़ा दिया है, ठीक है, डेट में एक्सटेंशन यहां पर किया गया है। तो क्या अपडेट है, कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो बात कर लेंगे टोटल पोस्ट 6128 आपका यहां पर है। एज की यदि बात करेंगे तो एज दोस्तों कम से कम 20 साल, अधिक से अधिक 28 साल तक यदि आपका एज है तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आपका एज जो है ना 1 जुलाई 2024 से गिनेगा, इस दिन तक आपका उम्र हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी सभी ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, सभी SC ST को 5 साल छूट मिलेगा। इस पे बात कर लेंगे फी दोस्तों, फी कितना है, तो ₹850 फी है जनरल ओबीसी EWS का, बाकी SC ST का ₹175 यहां पर फी रखा है, ठीक है। इसका प्री एग्जाम की भी बात करेंगे, प्री एग्जाम आपका अगस्त में होने वाला है और इसका मेंस एग्जाम जो है ना, मेंस एग्जाम आपका अक्टूबर 2024 में होने वाला है, ठीक है। तो डेट कौन सा बढ़ा हुआ है, सबसे पहले अप्लाई डेट की भी बात करेंगे। देखिए अप्लाई डेट जो है ना, पहले कब से कब तक था अप्लाई डेट, 1 जुलाई से लेकर के था 21 जुलाई तक, ठीक है, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया है। देखिए दोस्तों, IBPS PO की यदि आप सबसे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपके भी मन में सवाल रहता होगा कि सर इसकी तैयारी हम किस बुक से करें, कौन सा बुक सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप दिशा पब्लिकेशन की ये दो किताब ले सकते हैं, जो कि दोस्तों मार्केट में अभी IBPS PO के लिए सबसे बेहतरीन किताब है। ऐसा इसलिए क्योंकि IBPS जो भी नए नए ट्रेंड को फॉलो कर रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि नए नए वैरायटी का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट बुक की, जो कि दिशा पब्लिकेशन की गाइड है, 12th एडिशन का ये लेटेस्ट बुक है, ठीक है, जिस पे आपका न्यू चैप्टर्स भी डाला गया है, और जो भी मतलब ऐसा चैप्टर जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उन सारे चैप्टर्स को इससे रिमूव कर दिया गया है, मतलब आपको टू द पॉइंट वही दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। साथ ही साथ नए-नए वैरायटी के क्वेश्चंस इस पे डाले गए हैं। इस पे आपका रीजनिंग हो गया, आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, GK हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, सारे सब्जेक्ट्स को इस पे कवर किया गया है। इसके साथ-साथ पिछले 9 साल का दोस्तों जितना भी IBPS PO का एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन इस पे कवर किया गया है, साथ ही 100% उसका सबका सॉल्यूशन भी दिया विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि टोटल 5000 MCQ क्वेश्चन का इस पे कलेक्शन है, और सबका आपको आंसर भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी हाई लेवल का क्वेश्चन है जो रिसेंट एग्जाम में IBPS पूछ रही है, उन सारे ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस बुक में सारा कंटेंट डाला गया है। अब बात करेंगे सेकंड बुक का, जो कि दिशा पब्लिकेशन की लेटेस्ट अपडेटेड 6th एडिशन की सॉल्ट पेपर है। इस पे दोस्तों पिछले 13 साल का जितना भी IBPS का क्वेश्चन है, ठीक है, 2011 से लेकर के 2023 तक का सबका क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस पे मिलेगा विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। और हाँ, जितने भी इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं ना पिछले पुराने साल का, आप उसको एज अ मॉक टेस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो IBPS PO के लिए दिशा पब्लिकेशन की आप इन दो बुक्स को ले सकते हैं और एकदम बेहतरीन प्रिपेरेशन कर सकते हैं। दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप इसको वहां से परचेस कर सकते हैं। अब आप 28 जुलाई तक भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, ये डेट इंक्रीज हुआ है, तो 28 जुलाई 2024 तक फॉर्म भराएगा, मतलब एक सप्ताह फॉर्म भरने का डेट जो इन्होंने बढ़ा दिया है, तो ये बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, ठीक है। और प्री का सिलेबस यदि देखेंगे, इसका एग्जाम में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, तो देखिए इस पे 100 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, समझ में आ गया। इस पे आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 का आपका माइनस मार्किंग रहेगा। इस पे दोस्तों होता क्या है कि सेक्शनल एग्जाम होता है, जैसे कि देखिए इंग्लिश हो गया, इंग्लिश से आपका 30 क्वेश्चन है, टाइम मिलेगा 20 मिनट, ठीक है, इस पे 20 मिनट टाइम है। उसी तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि मैथमेटिक्स है, इस पर आपको 35 क्वेश्चन है, देखिए इस पर भी टाइम मिलेगा 20 मिनट, समझ में आ गया। इसके बाद रीजनिंग है, देखिए रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन है, इस पर भी आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट। तो दोस्तों ये सेक्शनल एग्जाम होता है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको इस पर टाइम दिया गया है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। अब इसका डेट बढ़ गया, जो जो भी स्टूडेंट नहीं भरे हैं
भर दीजिएगा। देश के विभिन्न बैंकों में आप एज अ क्लर्क नौकरी कर सकते हैं, सैलरी भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, 40-45 हज़ार तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों, तो यही मुझे बताना था। आई होप आप जान गए हैं कि अप्लाई डेट अब कब है, 28 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। तो चलिए, किसी भी प्रकार का कोई और अपडेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।